धीमहि धियो यो न प्रचोदया। जब चले आइयो एम मा शक्ति आशा अजय चंद्र कमार क्रमांक 954 दिन रविवार तारीख 9 जून 2024 और आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब जो एमडी एफसीसीएस एफआईएसीएम एफआईसीपी डीएफआईडी और जो यहाँ पर निष्काम डायबिटीज केयर रिसर्च चलाते हैं। आज आपने जो विषय लिया है वो लिया है डायबिटीज से होने वाले दुष्प्रभाव कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू डायबिटीज। अब ज्यादा समझ लेते हो आदरणीय डॉक्टर प्रहलाद चावला से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय डॉक्टर नमस्कार। मैं मेरे को आप देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं? बिल्कुल हाँ देख जी पा रहे हैं। यस सर जी ठीक है। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर जी स्लाइड विजिबल है? हाँ बिल्कुल ठीक है सर स्लाइड विजिबल है ना? जी ठीक जी है स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा। की चर्चा का टॉपिक विषय जो है मैंने आपके कहने पर ही चुना। मुझे लगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें डायबिटीज को तो बारे में तो सब लोग चर्चा करते हैं लेकिन डायबिटीज का हम इलाज करते क्यों ये हमको पता होना चाहिए कि डायबिटीज का इलाज ना करें तो क्या समस्याएं आ सकती हैं और जो समस्याएं हैं तो उनको कैसे हम उनको रोक सकते हैं, उन समस्याओं को कैसे हम उनको डिले कर सकते हैं या उनकी देखभाल हम कैसे करें कि हमें समस्याएं आए ही ना। क्योंकि हमारे यहाँ रोगी बहुत सारे हैं, डायबिटीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और आबादी बहुत कम है, इसीलिए इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है ना हम सही तरीके से जो है अगर इलाज नहीं करते हैं तो ये जानलेवा हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके कारण हृदय रोग, किडनी की समस्या, आंखों की समस्या हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, पैरों का काटने की नौबत भी आ सकती है, पैरालिसिस भी कभी संभावना काफी रहती है। ये मुख्य समस्याएं हैं चार, आंखों की समस्या, हृदय रोग, नर्वस सिस्टम जो न्यूरोपैथी है या ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं हैं या किडनी का फेल हो जाना। ये चार समस्याएं ऐसी हैं जिन पर बहुत ज्यादा हमें कारण है, जिस कारण से हम चाहते हैं कि हमारी डायबिटीज जो है कंट्रोल में रहे ताकि हमें ये दिन ना देखना पड़े कि जिस दिन हमें कहना पड़े कि हमारी आंखों की रोशनी डायबिटीज की वजह से चली गई और या फिर हृदय की बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो गया और इतना बड़ा हार्ट अटैक हो गया कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है डायबिटीज के रोगी में, हार्ट अटैक में चेस्ट पेन नहीं होता है, ज्यादातर केसेस में साइलेंट हार्ट अटैक होता है। तो आदमी सोचता है गैस 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 बन रही है या हल्का सा उसका सांस फूलता है और पता लगता है जब डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपको तो कई दिन पहले ही हार्ट अटैक हो गया था जिसकी वजह से आपकी पंपिंग पावर कम हो गई है इसीलिए समस्या हो रही है आपको, चाहे वो जिसे आप गैस कह रहे हो या जिसको आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा सांस फूलता है। तो ऐसे ही नर्वस सिस्टम का है कि पैरों की नसों में दिक्कत हो सकती है या ब्रेन में आपका सोचने समझने की क्षमता जा सकती है या पैरालिसिस का अटैक हो सकता है अगर उसमें क्लॉट वगैरह जम जाए तो। और किडनी फेलियर बहुत कॉमन है और ये समझ लीजिए कि भारत में क्या विश्व में भी किडनी फेलियर का जो महत्वपूर्ण कारण है वो डायबिटीज है। इसके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं जैसे चमड़ी रोग है, पेट की समस्या है, मांसपेशी की समस्या है, हड्डी जोड़ की समस्या है, मूत्र एवं जनन रोग की समस्या है, दंत एवं मसूड़ों की समस्या है, संक्रमण इन्फेक्शन कहीं पर भी हो सकता है शरीर में, चाहे वो निमोनिया हो जाए, चाहे पेट का इन्फेक्शन हो जाए, पेशाब के रस्ते पे इन्फेक्शन हो जाए, स्किन पे कहीं फोड़े फुंसी हो जाए, तो कहीं पर भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपको डायबिटीज है और वो अनकंट्रोल्ड है। डायबिटीज है और कंट्रोल है तब भी संभावना रहती है कि आपको समस्या हो जाएगी, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो ज्यादा समस्या होने की संभावना। सबसे जो इंपॉर्टेंट हम लोग जब कह रहे थे कि भाई आंखों पर जो बुरा असर पड़ता है तो उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो रेटिनोपैथी क्या होती है कि आंखों पर रेटिना की एक होती है जिसमें हमारा इमेज बनती है आंखों से, जैसे हम आंखों से देखते हैं कि ये आंख से हम ऐसे देख रहे हैं या हेल्दी है एक, और इस तरीके से पीछे की तरफ ये रेटिना होता है, यहाँ पर पर्दा जिसे बोलते हैं, इसमें खून की नसें होती हैं और यदि अब डायबिटीज का असर होता है तो ये खून की नसों से खून रिस जाता है और वो एरिया हमारे ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं, हमें उस हिस्से में दिखता ही नहीं है। तो जैसा कि अभी मैं आने वाले चित्र में आपको दिखाऊंगा कि क्या हो जाता है जब अगर डायबिटीज वाले पेशेंट्स को, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डायबिटीज की वजह से, रेटिनोपैथी की वजह से जो विजन लॉस होता है वो ठीक नहीं किया जा सकता, उसको आगे ना हो इसका तो ध्यान रखा जा सकता है, इसके लिए बचाव के लिए तो इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हेमरेज हो गया, खून रिस गया उसके अंदर, तो
तो वो हिस्सा आपका परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, उसमें कुछ रिकवरी नहीं हो सकती, बस आगे ना बढ़े इसके लिए कुछ प्रयास किया जा सकता है। जैसे आंखों की रोशनी गिर जाती है, इसमें आंखों के सामने काले धब्बे आ जाते हैं। जैसे आपको ऐसे दिखेगा कि आप जो एक सड़क है वो तो इस तरीके की है कि साइकिल भी पड़ी है, यहाँ पे ये रेड टी शर्ट पहने आदमी एक बैग लटकाए जा रहा है, जबकि इसमें देखोगे आपके अगर रेटिना में चेंज आ गया तो पता लगा आपको हल्का सा दिख तो रहा है कि रेड आदमी है, लेकिन ना तो उसका बैग दिख रहा है ना ये कपड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे इस हिस्से में भी धुंधला धुंधला दिख रहा है, कहीं किसी भी हिस्से में पैच बन जाता है, वो आपको दिख नहीं पाता है, तो एक पैच बन जाएगा। तो इस तरीके से रेटिना में अगर आपके डैमेज हो जाए तो इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये जो डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन है किन लोगों में ज्यादा होंगे, तो लंबे समय से डायबिटीज होती है, आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेगनेंसी के दौरान आंखों की जो रेटिना की समस्या है थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए हम लोग जब भी हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी जो डायबिटीज होती है, जब पता लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई है तो उसी समय हम उसका रेटिना चेक कराते हैं, क्योंकि अगर रेटिना की समस्या उसको ऑलरेडी है तो वो रेटिना की समस्या और आगे बढ़ सकती है और उसका विजन लॉस प्रेगनेंसी के जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हो सकता है। मोटापा है आप तब भी हाई रिस्क में आ जाते हैं, अगर आप सिगरेट या तंबाकू किसी भी तरीके से सेवन करते हैं तो भी आपको रेटिना से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बचने के उपाय क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर 6 महीने में आप अगर आंख के पर्दे की जांच या रेटिना की जांच कराते रहें तो आप बचे रह सकते हैं। आप सोचे कि मेरा ठीक था और फिर इसको हम ऐसे ही टाल दें तो ये स्थिति अच्छी नहीं, मतलब 6 महीने बोला जाता है स्टैंडर्ड, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि अगर आपका एक बार आपने चेक कराया और वो ठीक है और शुगर आप ठीक रखते हो तो साल भर बाद भी कराओगे तो भी चल जाएगा काम, लेकिन हर साल रेटिना की चेकअप जरूर होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल रहने के बावजूद भी कुछ ना कुछ परिवर्तन रेटिना पर आ सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें शुगर का नियंत्रण बहुत सख्त रूप से करना है, फ्लक्चुएशंस अवॉइड करने हैं, ये नहीं कि कभी हमने बदपरहेजी वैसे ठीक रखते हैं लेकिन एकदम एक ही दिन इतनी बदपरहेजी की तो 400 पे पहुंचा दिया, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इनसे कॉम्प्लिकेशंस का रेट और बढ़ जाता है, उसमें रेटिना वाला कॉम्प्लिकेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें अपना ब्लड प्रेशर अगर है तो ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, उसको कंट्रोल में करना है, कोलेस्ट्रॉल है तो वो कंट्रोल में रखना है, ताकि हमें रेटिना से संबंधित समस्या हो ही ना पाए। फिर अब हम आते हैं अगला महत्वपूर्ण जो अंग होता है गुर्दे यानी किडनी, इसमें आपका जो इन्फेक्शन हो जाता है बार बार पेशाब आ सकती है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, लंबे समय तक संक्रमण रहने के कारण जो आपका अनकंट्रोल्ड जो डायबिटीज है उससे पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि यूरिन में प्रोटीन आना, माइक्रो एल्बुमिन हम लोग आजकल टेस्ट कराते हैं, इसीलिए प्रोटोकॉल के तहत जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको जो टेस्ट लिखते हैं उसमें माइक्रो एल्बुमिन एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है जो हम लिखते हैं, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि यूरिया हमने टेस्ट करा लिया, क्रिएटिनिन हमने टेस्ट करा लिया, वो हमारा ठीक है, तो वो बहुत बाद में खराब हो गया, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए माइक्रो एल्बुमिन हमें टेस्ट कराना होता है यूरिन में, जिससे हमको पता लगता है कि इसको क्या डायबिटिक नेफ्रोपैथी तो हो तो नहीं गई है, इसमें पैरों पर चेहरे पर सूजन आ सकती है, और अल्टीमेटली हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्रिएटिनिन 4 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 1.5 आ गया, तो उसमें हम आजकल ईजीएफआर कंट्रोल की फिल्ट्रेशन कैसा हो रहा है, सिर्फ क्रिएटिनिन की वैल्यू का इतना महत्व नहीं होता, उसके वजन के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसका जो फिल्ट्रेशन कितना है, किडनी कितना फिल्टर कर पा रही है, ये परसेंटेज का जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी वही है कि हम कैसे इस चीज से बच सकते हैं, तो आप शुगर कंट्रोल करना है और हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, बीच बीच में जो डॉक्टर हमारे टेस्ट करा है उन पर हमें ध्यान देना है, और सिगरेट और तंबाकू का सेवन रोकना। तो सभी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें सिगरेट तंबाकू हर तरीके से बंद करना ही करना है, और समय समय पर जैसे डॉक्टर टेस्ट एडवाइस करें वो मैं लास्ट में इस बारे में चर्चा करूंगा कि कैसे हम कॉम्प्लिकेशन से बच कर सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं उनका क्या है। तीसरा आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो नसों की समस्या है, पैरों में 2 तरह की नसें होती हैं, एक तो नस होती है सेंसेशन वाली, सेंसेशन वाली जो नस होती है इसमें 2 तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, एक नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब क्या है कि सुन्नपन हो गया, आपको तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, आपने अनजाने में किसी कभी आग के ऊपर पैर अगर उस पर रख दिया कि सेकने के लिए तो पता लगा वो तो आपको गर्मी लगने दी थी और आपका पैर जल गया, आप बाइक पे बैठे हुए हैं साइलेंसर गर्म है, आप बैठे हुए हैं आपका साइलेंसर से पैर छुआ, जब पहुंचे तो पता लगा आपको महसूस नहीं हुआ और आपका तो पैर जल गया, तो ये जब ये तो नेगेटिव
पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं है कोई भी, इसको नेगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं, लेकिन समस्या हो गई उस न्यूरोपैथी की वजह से। ऐसे ही पॉजिटिव सिम्टम्स हो जाते हैं, उसमें क्या होगा, आपको झंझनाहट हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, बिजली के करंट जैसा हो सकता है, हाथ पैर में चींटियां दौड़ने लग सकती हैं, पैरों में दर्द रह सकता है, नसों में खिंचाव हो सकता है। और 50% के आसपास मधुमेह के रोगी है उनमें ये डायबिटिक न्यूरोपैथी मिलती ही मिलती है। और इसका कारण क्या होता है कि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जो उन नसों में ब्लड की सप्लाई होती है, नसें पतली हो जाती हैं खून की, तो ये जो है जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो वो अलग तरीके के सिम्टम्स कुछ लोगों में पॉजिटिव सिम्टम्स पैदा करती हैं, कुछ लोगों में नेगेटिव सिम्टम्स पैदा करती हैं। अब इसका इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नर्व एंडिंग्स जो होती है ना, बिल्कुल टिप्स जो होती है, उन पर सेंसेशन नहीं होती आपकी, तो आपको कहीं छिल गया, जख्म हो गया, तो आपका वो पता ही लगेगा, आप उसका चलते जा रहे हैं, आपको तो जख्म है पैरों में, लेकिन आप चलते जा रहे हैं तो वो अल्सर बनना शुरू हो जाता है, तो अल्सर बन जाते हैं इनमें अगर इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि आपको तो पेन हो नहीं रहा, जब पेन नहीं हो रहा तो आपका अल्सर जो है वो धीरे 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 इतना ज्यादा अंदर तक रूट हो जाता है, इन्फेक्शन जो है वो सीवियर रूप में, और गैंग्रीन तक का ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, वो काला पड़ने लग जाता है, तब आपको पता लगता है अरे ये क्या हो गया, या इसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई, इतने कीटाणु पैदा हो गए इसमें कि स्मेल पैदा हो गई, तब पता लगा ये तो बदबू आ गई, या आपने देखा सोते समय बिस्तर पे ये कैसे दाग आ गए, आपको तो कोई दिक्कत थी नहीं, तो पता लगा नीचे तो जख्म हुआ पड़ा है, पैरों में तो छाले पड़े हुए थे और अल्सर कर दिया उसने। रोकना कैसे, वही चीजें इसमें प्रिंसिपल वही है कि आपको टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, आपका HbA1c 6.5 और 7 के बीच में होना ही चाहिए, ठीक है, और ब्लड प्रेशर नियंत्रण होना चाहिए, शराब का सेवन करते हैं तो वो आपको अवॉइड करना है, और सिगरेट तंबाकू का सेवन तो बिल्कुल बंद होना ही होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो क्योंकि जो सिगरेट या तंबाकू है ना, वो भी खून की नसों पर असर डालता है, और खून की नसें पे डायबिटीज भी असर करती है, दो चीजें होती हैं, एक और एक 11 वाला होता है, जिससे नुकसान बिल्कुल 11 गुना ज्यादा हो जाएगा, अगर आपने स्मोकिंग या टोबैको साथ में यूज कर रहे हो, डायबिटीज भी है आपकी, तो इसलिए ये तो एक मस्ट होना चाहिए, किसी भी तरीके से आप तंबाकू सेवन अगर कर रहे हैं या सिगरेट ले रहे हैं तो आपको वो बंद करना ही है। तो उसमें यही होता है, कोई कह हम तो हुक्का पीते हैं, हुक्का भी वही करेगा, तंबाकू की चबाना भी वही करेगा, सिगरेट भी वही नुकसान करेगी, क्योंकि जो बेसिक मैकेनिज्म है वो तो इफेक्ट होगा, बस कैंसर कहाँ का होगा इससे फर्क पड़ेगा, सिगरेट से कैंसर कहीं और का होगा, हुक्के से कहीं और का होगा, तंबाकू आप मुंह में रख करके चलते हैं, गुटखा आप खाते हैं तो उससे कैंसर आपका मुंह का कैंसर होगा। फिर बात आती है डायबिटिक फूड, जैसे न्यूरोपैथी हमारा जो जो भी स्टेज ले आती है पैरों के अंदर, तो वो उसी को हम बोलते हैं पैरों की समस्या को डायबिटिक फूड, जिसमें क्या होता है पैरों में छोटी रक्त धमनियों में अवरोध हो जाता है, जिससे क्या है रक्त संचारण नहीं हो पाता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो छोटी सी चोट या इन्फेक्शन के कारण सेंसेशन है नहीं तो वो गैंग्रीन बन गया, तो ये स्थिति आती है। इसीलिए हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि रात में सोते समय एक तो अपने पैर हल्के गुनगुने पानी से धो करके, टॉवेल से साफ करके, सुखा करके सोएं, और जैसे इस चित्र में दिखा रहे हैं कि ये जो लेडी है ये मिरर यूज कर रही है और अपने पैर के नीचे देख रही है कि कहीं कोई जख्म या रेडनेस तो नहीं है, इस तरीके से अपने जख्म को देख लें, ताकि अगर कहीं रेडनेस या कुछ ऐसा है तो हम अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर से कांटेक्ट करके उस लक्षण को रोक सकें, और हमें डायबिटिक फुट वाली स्थिति या अल्सर वाली स्थिति या गैंग्रीन वाली स्थिति ना बने, ताकि हमें पैर काटना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये पैर बोल रहे हैं प्लीज टेक केयर ऑफ मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी चप्पल इस तरीके से करेक्ट फिटिंग शूज होनी चाहिए कि जो इस तरीके से आए, अगर किसी को जैसे इस तरीके की प्रॉब्लम है तो इस समय कस्टमाइज भी कराने पड़ सकते हैं, अगर हम कस्टमाइज जूते या चप्पल नहीं पहनेंगे, अगर हमारी इस तरीके की डिफॉर्मिटी हो गई है तो इनमें हमारे पैरों में अल्सर बनने की संभावना, ये पैरों के नीचे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इसलिए जब हम ये न्यूरोपैथी की जांच करते हैं तो इन्हीं प्रेशर पॉइंट्स पर चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जख्म होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है, प्रेशर पॉइंट से जब हम चलते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। तो करना क्या है, रोज शाम को हमें धोना है, सुखाना है, उंगलियों के बीच में से भी सुखाना है, और नंगे पैर नहीं चलना, खासतौर से गर्मियों के दिनों में मंदिर जाते हैं आप, फर्श बहुत गर्म होता है, डायबिटीज के रोगी को यह ध्यान रखना है कि या तो वो कॉटन की नई जुराब या कुछ ऐसी लेकर के जाए जिसको पहन करके वो अंदर जाए, ठीक है, नंगे पैर वहां जाएगा, फर्श गर्म है तो उसका पैर जलेगा, और जब वो वापस आएगा तो पता लगा वहां तो छाले पड़ गए, क्योंकि सेंसेशन तो थी नहीं, उसने परसीव ही नहीं किया, जो नॉर्मल आदमी चल रहा होता है गर्म फर्श पे तो वो जल्दी जल्दी भाग करके ऐसी जगह देख लेता है कि कहाँ ठीक है, लेकिन जिसको डायबिटीज है उसको सेंसेशन नहीं है तो वो इस चीज को चिंता ही नहीं करता,
वो तो नॉर्मली चलता रहेगा, चाहे थोड़ी देर खड़ा भी रहे उस गर्म जगह पर, क्योंकि उसको तो महसूस ही नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए नंगे पांव नहीं चलना है, चाहे मंदिर भी या कहीं पर भी जाते हैं। पार्क में लोगों को एक मिथ रहता है कि घास पर चलने से अच्छा हो जाता है, तो वो डायबिटीज के रोगी को ये एडवेंचर बिल्कुल भी नहीं करना। वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन डायबिटीज के रोगी को कोई सेंसेशन नहीं है, उसको ये एडवेंचर नहीं करना। पैरों के नाखूनों को सीधे काटना चाहिए, हर दिन पाँव में पाउडर लगाएं, जूते पहने, है ना, जूते जो आरामदेह होने चाहिए, तो रोज साफ मोजे पहने, अंगूठे में ग्रिप वाली सैंडल या चप्पल नहीं पहने। जैसे जैसे इस तरीके से जो ग्रिप करके होती है ना, ऐसे करके जो दो उंगलियों के बीच वाली ग्रिप वाली सैंडल होती है, वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन होता रहता है लगातार, तो वहां पे इन्फेक्शन अंदर जाने की संभावना, अगर खाल छिल गई, आपकी सेंसेशन कम है, वो अंदर चली जाएगी और इन्फेक्शन हो जाए। तो ग्रिप वाली तो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, कील वाली चप्पलें जूते डायबिटीज वाले पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, वेलक्रो टेप जो होती है उस तरीके की पहननी चाहिए, और सैंडल भी पीछे से अगर वेल्क्रो टेप से वो साथ लगे हुए हों, हिलते डुलते ना रहे, क्योंकि हिल फ्रिक्शन के कारण जो है ये चीजें प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप नहीं ध्यान देते तो इस तरह की समस्या आपको बन सकती है, चाहे वो गैंग्रीन बन जाए, कुछ भी हो जाए, हाथ पे भी इस तरीके की समस्या। लोगों का पैर भी काटने की नौबत आ जाती है इसी डायबिटीज के गैंग्रीन के कारण। अगली महत्वपूर्ण समस्या होती है हृदय रोग या हार्ट डिजीज। अगर सामान्य रोगों की तुलना में देखें तो ये जो खतरा है 2 से 4 गुना बढ़ जाता है हार्ट की बीमारी का डायबिटीज वाले रोग के लिए, और इसका जो मुख्य कारण है वही कि आपकी शुगर ज्यादा रहता है, तो जो आपकी जो धमनियां हैं आर्टरी जिनको बोलते हैं, वो हार्ड हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, जिससे जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और वो हार्ट अटैक का कारण। ज्यादातर केसेस में साइलेंट हार्ट अटैक होता है डायबिटीज वाले पेशेंट्स को, उसको तो सांस फूलेगा या उसको ऐसा लगेगा गैस बहुत बन रही है, गैस बहुत बन रही है, खारिज नहीं हो रही, निकल नहीं पा रही है, तो इस तरीके की स्थिति उसके साथ आ जाती है। तो ये बड़े प्रिकॉशन रखने की जरूरत है कि साइलेंट हार्ट अटैक होता है तो अर्ली हमें सस्पेक्ट करना होता है। हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है जो ये कहता है कि भाई गैस बन रही है, ठीक नहीं हो रही गैस, पहले तो इस कैप्सूल से ठीक हो जाती थी, लेकिन जब हम जानते हैं उससे पूछते हैं कि भाई अगर आपको डायबिटीज तो नहीं है, वो कहता है डायबिटीज है, तो हम हर हाल में ऐसे पेशेंट्स का ईसीजी उसको कराते ही कराते हैं, चाहे भले ही ये कहे कि मैंने 2 दिन पहले कराया था मेरा ठीक था, लेकिन अगर डायबिटीज का रोगी जब भी आएगा हमारे पास सिम्टम्स लेकर के, तो किसी भी क्षण, क्योंकि ईसीजी जो होता है वो ऐसी जांच होती है जो इस समय तक हार्ट अटैक है या नहीं ये तो बता देगा एक बार को, लेकिन 2 दिन बाद या कल या परसों होगा ऐसा नहीं बता सकते। तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स में हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना होता है, और हम उसको अक्सर बोलते हैं कि भाई आप तुरंत कराओ, जांच कराओ पहले, उसके बाद हम गैस वैस की दवाई बढ़ाएंगे या देंगे, लेकिन तो पहले हमें ये इंश्योर होना चाहिए कि ये हार्ट अटैक नहीं। करना क्या है इससे बचने के लिए, बीपी का नियंत्रण करना है, शुगर का नियंत्रण करना है, कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण करना है, खून पतला करने वाली दवाई की जरूरत होती है वो हमें देते हैं, जीवन शैली में बदलाव करना है, तनाव रहित जीवन जीना है, स्ट्रेस से बचना है हमको, और समय समय पर डॉक्टर से हृदय की जांच करते रहना। कैसे हम डिले कर सकते हैं, ये ABC, ABC का मतलब क्या है कि हमें अपना HbA1c 6.5 के आसपास रखना है, 6.5 से कम हम लोग नहीं, नॉर्मली हम 6.5 और 7 के बीच में रखते हैं, लेकिन 6.5 भी रहे और किसी किसी को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा है, शुगर कम नहीं हो रही किसी भी टाइम, तो सिर्फ HbA1c देख के हम ये नहीं बता सकते कि इसको शुगर बिल्कुल भी कभी कम ना हो रही है, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम या तो CGMS होता है कि चिप लगा दे और उसे पूरा मॉनिटर करे कि सोते समय बैठते समय कैसा हो रहा है, अगर किसी का HbA1c हमें कम रखना है तो एक CGMS एक टेस्ट होता है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, उसको चिप लगा करके हम इसको यूज कर सकते हैं। बी से हमें बीपी कंट्रोल पर ध्यान देना है, सी से हमें कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान देना है, अब बीपी जो है 130/80, ये जो 140/90 या 160/90 ठीक है, बाकी चीजें कोई नहीं है साथ में, तो आप थोड़ा बहुत बीपी में फ्लक्चुएशन या हायर अलाउ कर सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स है आपका, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो हमारा बीपी कोशिश होनी चाहिए कि हम 130/80 से नीचे। कोलेस्ट्रॉल में हमें LDL कोलेस्ट्रॉल बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो नुकसान वाला होता है, उसका लेवल देखना चाहिए, और डायबिटीज के रोगियों में हमें वैसे उसका नॉर्मल लेवल 130 से नीचे होता है नॉर्मल पर्सन में, लेकिन अगर किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम कभी कभी 100 से नीचे या 70 से नीचे भी चाहते हैं कि LDL उसका रहे,
और HDL जो है वो मेल्स में 40 से ऊपर और फीमेल में 50 से ऊपर HDL जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है होना चाहिए। नमक कम खाना चाहिए, 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एडिड शुगर की बात कर रहे हैं तो हम ज्यादा ना हो इस चीज का ध्यान। खान पान में कुल कैलोरीज कितना ले रहे हैं, फाइबर ज्यादा लेना चाहिए, जो भी हम खाएं कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला लें, और थोड़ा थोड़ा 4-5 बार वजन कम करें, अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस अवॉइड करें, एडिक्वेट स्लीप लो। ठीक है, अब ये हाउ टू प्रिवेंट डिले हार्ट डिजीज, ये एक इम्पॉर्टेंट है। वही कमर का मोटापा हमें कम करना है, धूम्रपान नहीं करना है, और यदि हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं हमें पैरालिसिस का तो नहीं है हो चुका, तो हमें इसका मतलब, अगर किसी को पैरालिसिस भी होता है या दिल का दौरा, अगर कोई भी लक्षण आते हैं तो उनको अर्ली स्टेज में पहचान लेना चाहिए। शरीर के किसी भाग में कमजोरी है, तेज दर्द है, लॉस ऑफ बैलेंस है, तो सारे सिम्टम्स हमें कहते हैं कि हमारी नसों में खराबी आ रही है। तो जब एक नस में खराबी आती है तो वो हार्ट की नसें भी कमजोर होती है, वहां पे भी अगली समस्या हमारी हार्ट अटैक हो सकता है। आज भले ही हमको एक ये समस्या हुई हो वो ब्रेन से संबंधित, लेकिन कल को उसकी संभावना। डर्मोपैथी यानी कि चर्म रोग भी हो सकते हैं, तो इस तरीके के ऐसे कुछ चकत्ते भी पड़ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। एक ये होता है जैसे बगल में काला हो जाता है, गर्दन काली हो जाती है, गर्दन का ये हिस्सा काला हो जाता है, बगल के नीचे देखोगे तो काला रहेगा बाकी स्किन के कंपेरिजन में। तो ये इस तरीके की ये पहचान है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब टाइप 2 डायबिटीज के लोगों में होता है तो ये एक हमें पहचान का भी लक्षण है, और ये डायबिटीज की वजह से ही होता है, इस चीज को भी पहचानना। स्किन टैग हो जाते हैं स्किन पे, जैसे कहीं कहीं थोड़ा टैग की तरह, जैसे ऐसा लगता है कि मांस आगे की तरफ बढ़ा है, तो ये भी इस तरीके की स्थिति है। इन्फेक्शन का बहुत खतरा रहता है, इन्फेक्शन जो है लंग्स में, फेफड़ों में हो सकता है, हाथों पैरों की उंगलियों पे हो सकता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, जनन अंगों में हो सकता है, पेशाब के रास्ते पर हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रोपैथी, गैस्ट्रोपैथी बहुत, वैसे तो लोग सोचते ही नहीं है कि डायबिटीज की वजह से, लेकिन बहुत ही कॉमन हमने देखा है कि अक्सर आंतों की गति थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे टाइप 2 वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें फैट एक्स्ट्रा होता है, लीवर भी फैटी होगा, आंतें भी फैटी होगी, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट है उतना स्मूथ नहीं होता आंतों में खाने का। जरा सा भी खाना खाओगे तो वो फुलनेस वाली स्थिति आ जाती है, तो पेट में गैस बनेगा, भारीपन हो जाएगा, पेट में दर्द भी हो सकता है, किसी को बार बार लूज मोशन हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। तो ये बड़ी बड़ी स्थिति है, बीच में कुछ समय बोलेगा कॉन्स्टिपेशन चल रहा है लेकिन लूज मोशन हो जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी समस्या रहती है अक्सर डायबिटीज के रोगी हमें बताते रहते हैं कि भाई बार 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 लूज मोशन हो जाते हैं, तो उसमें गैस्ट्रोपैथी एक डायबिटीज अनकंट्रोल होने का भी, क्योंकि एडिमा हो जाता है आंतों में, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से लक्षण भी आ जाते हैं। करना क्या है इसके लिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, लो फैट वाला खाना चाहिए, और खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको होते हैं। फिर आती है बात मायो एंड ओस्टियोपैथी, जांग की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जो कंधे में आपका फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होने लगेगी मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से, कंधे में दर्द रहने लगेगा, स्टिफ हो गया, पीछे की तरफ आग इस तरीके से आप पीछे नहीं ले पाएंगे, तो ये एक स्थिति आ जाती है। अब डायबिटीज के साथ तनाव का भी बहुत हुआ है, देखा जाता है डायबिटीज होती है वो अनकंट्रोल होती है, एक अपने आप में वो तनाव देने का कारण है, कि किसी को इसी की यही चिंता शुरू हो जाती है कि भाई हाई मुझे शुगर हो गई, हाई मुझे शुगर हो गई, अब क्या करूं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, इस तरीके का एक डिप्रेशन स्ट्रेस कुछ लोग डायबिटीज को लेकर के ले लेते हैं, तो उससे भी उनका शुगर का कंट्रोल खराब हो जाता है। तो ऐसे में आपको एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम और ध्यान करना चाहिए, बागवानी कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, तो जीवन शैली में अगर आप परिवर्तन करेंगे तो आप अपने स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये हिस्सा हमेशा जो है नेग्लेक्टेड रहता है, डायबिटीज के लोग ये तो सोचते ही नहीं है कि उन्हें दांत के डॉक्टर को भी साल में कम से कम 2 बार दिखाना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटीज की वजह से मसूड़े में खून आना, मसूड़े में इन्फेक्शन होना, तो इसके लिए हमें दिन में 2 बार नरम जो सॉफ्ट वाले ब्रश होते हैं उससे करना चाहिए, है ना, दांत में के बीच में जो खाना फंस जाता है उसको साफ करना चाहिए, डॉक्टर को भी दिखाते रहना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो जल्दी से उसका इलाज करें, शुगर को कंट्रोल करें, नहीं तो वो जो पता लगता है मसूड़े एकदम से डैमेज हो गए, दांत की जो रूट्स है वो कैंसिल कच्ची हो जाती है और दांत अपने आप गिरने लग जाते हैं। पायरिया जो है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है,
हमेशा जो है सॉफ्ट वाला ब्रश है दिन में 2 बार जरूर करना चाहिए, और दांत वांत को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको क्लीन करते हैं, खाना अगर फंस गया तो उसको क्लीन करते हैं। डायबिटीज के ना कॉम्प्लिकेशंस दो तरीके, जो अभी तक मैंने बात की वो तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस थे कि बहुत लंबे समय की डायबिटीज है और उसमें ये चीजें हो सकती हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, एक्यूट का मतलब कि अभी आज ही आप ठीक हो और अभी 2 घंटे बाद ही आपके प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि एकदम से आप डायबिटीज की दवाई लेते थे, खाना खाना मिस कर दिया आपने और आपका शुगर बहुत ज्यादा लो हो गया, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि 70 mg/min से अगर कम हो जाती है तो इस तरीके के कुछ लोगों में लक्षण आ जाते हैं कि जैसे कि भूख बहुत ज्यादा भूख लगती है, चक्कर आ सकता है, ज्यादा पसीना आ सकता है, धड़कन तेज हो सकती है, कमजोरी, बेहोशी, सिर दर्द, मतलब इनको समझ ही नहीं आता, दिमाग का सन्न हो जाता है, दिमाग सन्न हो जाता है कि क्या हुआ ये, तो वो स्थिति आ सकती है। हाथ पैरों में कंपन हो सकते हैं, तो शुगर कम होने से ये सब कुछ हो सकता है। एक्चुअली एक जो खास इसका कारण क्या है कि एक नॉर्मल आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है उसका शुगर कभी कम नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर ना एक ग्लूकागन नाम का एक हार्मोन होता है, तो जब भी शुगर कम होने लगती है तो ग्लूकागन क्या करता है कि लीवर में ग्लूकोज बना देता है, तो आपका शुगर एक लेवल से नीचे जाएगा ही नहीं, चाहे आपने खाना खाया है या नहीं, वो आपको लक्षण आएंगे ही नहीं कि आपका वो ठीक है, जनरल से ठीक है वीकनेस वो थोड़ी सी आपको लग सकती है कि भाई सुबह से आपने खाना नहीं खाया, थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन लो होकर के आपको बेहोशी हो जाए, कंपन आने वाले लक्षण आ जाए, इसकी संभावना है अगर आप डायबिटिक नहीं है तो ऑलमोस्ट नहीं, लेकिन डायबिटीज वाले पेशेंट्स में ग्लूकागन हार्मोन जो है कम बनता है, तो ये जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, जो लो शुगर को रोकने का जो मैकेनिज्म है, ये फेल हो जाता है, तो इसीलिए जो है ये हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर का लो होना बहुत कम हो जाए तो करे क्या, तो जैसे ही आपको रहे कि होने लगा है तो आप जल्दी से कुछ खाने का अगर आपका लगता है टाइम डिले हो रहा है तो खा लिया जाए, और रात में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो तो इसलिए सोने से पहले आप अगर बिना शक्कर का दूध 2 घंटे बाद रात के खाना खाने के बाद लेंगे तो भी आपका रात में हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना काफी कम है। इसके अलावा लेकिन फिर भी आपका हो गया तो अब क्या करें, तो इसमें 15 ग्राम शुगर जो है 1 गिलास पानी में आप घोलेंगे और उसको पी जाएंगे आप, और आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ब्लड शुगर आपको चेक करना चाहिए और वो 15 मिनट बाद आप चेक करें, तो अगर वो 100 से ऊपर आ गया है तो फिर आप कुछ भी नॉर्मल खा लेंगे तो आपका शुगर ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि आपने 15 ग्राम ग्लूकोज पी लिया तब भी शुगर आपका अभी भी कम ही है, 70-72 के आसपास ही चल रहा है, तो आपको एक बार दोबारा से भी चीनी घोल करके लेने की आवश्यकता है, कि लो शुगर होना बहुत देर तक बने रहना ब्रेन की टिश्यूज को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, तो इसलिए लो शुगर इज ऑलवेज मोर डेंजरस देन कि लंबे समय तक थोड़ा सा हाई शुगर रहे, तो इसलिए हम लोग जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम अपने टारगेट्स बढ़ा देते हैं, फिर हम ये नहीं चाहते कि 6.5 से कम रहे उसका एच, हम चाहते हैं कि 7 के आसपास रहे, और एज बढ़ जाती है तो हम सोचते हैं कि 8 से नीचे रहे, और 80-85 पर पहुंच जाता है तो हम कहते हैं 9 भी चले, क्योंकि हम हाइपो नहीं चाहते, शुगर का लो होना बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो ये इसके अलावा भाई आप अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट्स इस तरीके के रख सकते हैं कि शुगर, ताकि जो भी अगर कहीं आप गिर जाए चक्कर खा के तो लोगों को पता लग जाए कि आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर लो हो सकता है, तो वो कुछ इस तरीके की चीजें आपको देने की कोशिश करें। एक महत्वपूर्ण चीज है कि कभी भी जो आप बेहोश हो गए, गिर गया कोई डायबिटीज वाला पेशेंट, तो उसको जबरदस्ती कुछ पिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेटे लेटे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे में अब ग्लूकोज पाउडर अगर हो तो वो उंगली पर लेकर के आप उसके अगर जी चीक्स में अगर लगा देंगे दोनों तरफ ग्लूकोज पाउडर को सूखे सूखे कोई, तो उससे भी उसका शुगर लेवल राइज कर जाएगा, और तब तक थोड़ा सा भी होश आ जाए तो फिर नियर बाई हॉस्पिटल में ले जा करके, डिपेंडिंग अपॉन उसका कितना कॉन्शियस लेवल है, कि आपका ग्लूकोज देने से पिलाने से काम चल पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो आईवी ग्लूकोज, बस वही ध्यान रखना है कि उक्त रक्त शर्करा होने पर ज्यादा हो तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक रक्त शर्करा अगर बहुत कम हो जाए तो प्राण घातक हो सकता है। ठीक है, तो लो शुगर इज मोर डेंजरस। एक ये डायबिटिक कीटोसिस होता है, नॉर्मली ये टाइप 1 वाले लोगों में होता है, टाइप 2 जो डायबिटीज के सामान्य रोगी होते हैं उनमें कम होता है, लेकिन ये प्राण घातक है, मतलब कि अगर ये हो जाता है तो डेथ भी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पेशेंट्स इस तरीके के पेशेंट जो है अगर चिकित्सा नहीं मिलती, उसको आईवी फ्लूड और इंसुलिन नहीं मिलता है तो वो डैमेज हो जाता है, तो ऐसे में वो डेथ की संभावना भी रहती है। तो लक्षण ये हो सकते हैं, लक्षण तो वैसे ही है, ज्यादा पेशाब होना, मुंह सूख जाना, जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना,
इस तरीके के लक्षण ज्यादातर देखने मिलते हैं। कभी कभी ये होता है कि टाइप टू वाले पेशेंट्स में निमोनिया हो जाए, और वो मान लो टाइप टू का रोगी है, उसकी इंसुलिन की बहुत कमी हो गई है, लेकिन वो इलाज ही नहीं कर रहा, इलाज ही नहीं कर रहा, साथ में इन्फेक्शन और हो गया, तो वो लोग भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं कीटो एसिडोसिस से, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, कि यूरिन में कीटोन जाना शुरू हो जाता है, ब्लड के अंदर भी कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है जो ब्रेन तक पहुंच जाती है, और वो बेहोशी की अवस्था पैदा कर सकती है। तो इलाज यही है कि आपको हॉस्पिटल ले जाना है, इंसुलिन और आईवी फ्लूड्स लेने हैं, और ज्यादातर ये टाइप का मरीज। आहार की अगर हम बात करें, सिंपल दो तीन चार स्लाइड्स कॉम्प्लिकेशन से हट करके हैं जनरल बातें बताने के लिए, तो कॉम्प्लिकेशन सब हमारे खत्म हो गए। थोड़ा सा आहार की कैसे लेना चाहिए, एक जनरल बात बता रहा हूँ कि अधिक तले हुए भोजन से परहेज करना चाहिए, फाइबर अधिक लेना चाहिए, रेशे वाला जो खाना होता है वो लेना चाहिए, और खाने को तीन चार भागों में बांट देना चाहिए, और नियमित अंतराल पर हल्का भोजन लेना चाहिए, यानी कि 6 मील्स होने चाहिए, 3 मेजर और 3 माइनर, मतलब कि आपने सुबह अगर आप मान लो 6 बजे उठ जाते हैं तो उस समय आप बादाम वगैरह खा सकते हैं, फिर आप जो है 9 बजे अगर नाश्ता करते हैं तो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आप फल खाएं, और दोपहर में 2 बजे के आसपास लंच करें, शाम को 5 बजे के आसपास फिर टी टाइम है तो उस समय बिस्किट्स वगैरह या रस वगैरह इस तरह की चीज लेने के बजाय मखाने हैं, भुने हुए चने हैं, ये सब ले सकते हैं, और रात का खाना कोशिश करें 8 साढ़े 8 बजे हो जाए, सोते समय 2 2 ढाई घंटे बाद डिनर के आप जो है दूध अवश्य। एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई भी व्यायाम करें, सभी चीजों के लिए हेल्पफुल है। दवा की जरूरत है तो जैसे डॉक्टर सलाह दे दवा समय पर लेनी चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण चीज है, क्या डायबिटीज ठीक हो सकता है? नहीं, लेकिन यदि ढंग से डायबिटीज की देखभाल की जाए तो इससे प्रभावित होने वाले जो अंगों पर जो प्रभाव पड़ता है उसको तो डेफिनेटली रोका, तो डायबिटीज को रोका जा सकता है लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर आप पहले से आपका वजन जैसे ज्यादा है, आपको संभावना है, तो वजन कम करिए, अपना डाइट खाना पीना सही रखिए, एक्सरसाइज करते रहें, और जैसी स्थिति हो डॉक्टर से सलाह लेते रहें। अगर आपका डायबिटीज का यानी कि ब्लड शुगर लेवल बिना उसके कंट्रोल है, तो बिना दवाइयों के, तो भी आप इस तरीके से रह सकते हैं। तो परहेज रखना बहुत इम्पोर्टेंट, खाने पीने पर ध्यान रखें, व्यायाम करें, तो निश्चित रूप से आप डायबिटीज को होने से भी रोक सकते हैं। अब एक ये डायबिटीज के रोगी के लिए चेकलिस्ट है, जो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए चेकलिस्ट आप उसको दिमाग में रखनी चाहिए, कि बीपी जो है हर बार जब भी डॉक्टर के पास जाता है तो वो एक उसका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, और वो उस प्रेफरेबली लेस देन 130/80 होना चाहिए। हमने अपने वजन का ध्यान रखना है ताकि हम अपना वजन जब चेक होता है, तो इसीलिए एक हम लोग जो डायबिटिक स्पेसिफिक क्लिनिक है उस पर इस तरीके की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, जिसमें हम इन सब चीज़ों का चेक समय समय पर करते रहते हैं। पैर में कोई चीज़ है तो नहीं, वो हम पेशेंट्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है HbA1c हर 3 महीने पे कराते हैं, ताकि हमें कोई पेशेंट्स को दिक्कत है तो हम उस चीज पर भी चर्चा कर सकें। LDL लेवल यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ये हम हर वर्ष कराते हैं, और ये लेस देन 100 होना चाहिए। HDL पुरुषों में 40 या 45 से ऊपर हो, और महिलाओं में 50-55 से ऊपर होगा तो सेफ होता है, अच्छा रहता है। और माइक्रो एल्बुमिन की मैंने बात की थी कि जो किडनी डैमेज को पता लगाती है, वो हर वर्ष आपको कराना होता है, और लेस देन 30 मिलीग्राम होना चाहिए। आंखों का भी जांच हर वर्ष कराएं, और नसों की जांच भी, जैसे न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, हार्ट की बीमारी चेक करता है, तो उसके लिए हम ECG कराएं, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के ABI डॉपलर होता है, न्यूरोपैथी के लिए VPT वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड है, और मोनोफिलामेंट्स होते हैं, तो उन सब कुछ जाँच करके हम उनका पता लगा सकते हैं। एक चीज जो मैंने बताई ना, कि हर एक को अपना इंडिविजुअलाइज करना चाहिए, हर एक के लिए हम ये नहीं लागू करते कि भाई तुम्हारा शुगर, तुम्हारे लिए शुगर इतना, कोई अगर हमारे पास 30-35 साल का बच्चा है तो हम कहते हैं भाई खाने के बाद आपका जो है 100 से नीचे आना चाहिए, और खाने के बाद 120-130 तक रहना चाहिए, 150 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हम उसको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करते हैं, कि खाली पेट आपका 120 तक भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने के बाद 150-160-170 तक भी आएगा तो भी दिक्कत नहीं है, और एज बढ़ती है तो हम उसको 200 तक भी बोल देते हैं कि ठीक है नॉर्मल है, कि आप खाली पेट 130-140 चल रहा है तो हम, और खाने के बाद 200 के आसपास भी चल रहा है तो ठीक है। तो ये आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आपके लिए क्या ठीक, डिपेंड करता है, एज भी अपने आप में इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है जितना आपकी लाइफ, अगर लाइफ यू आर एक्टिव, आप फिजिकली एक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग है, तो आप 70 साल में भी हम जो है आपको वही HbA1c 6.5 से नीचे या 7 से नीचे रखना चाहेंगे, आप इनएक्टिव घर में पड़े रहते हैं, ये भी कि हम आपको बोले कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा आप ज्यादा बड़ा काम भी रख सकते। तो हमें याद रखना है कि डायबिटीज एक महामारी है, स्लो पॉइजन है,
कॉम्प्लिकेशन सभी अंगों को प्रभावित करते हैं, इलाज महंगा है और जीवन की गुणवत्ता पर असर डालता है, ये इरिवर्सिबल होते हैं कॉम्प्लिकेशन, इसलिए हमें उनको प्रिवेंट करना है। तो बचने का तरीका क्या है, कि हमें अवेयर होना है, जागरूक रहना है, जीवन शैली में परिवर्तन करना है, खान पान पर ध्यान देना है, वजन नियंत्रण करना है, मानसिक तनाव के लिए योग प्राणायाम मेडिटेशन करें, डायबिटीज को जल्दी पकड़ लें और सख्त कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर का कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करें, और धूम्रपान या नशा किसी भी तरीके का है, चाहे वो अल्कोहल है, तम्बाकू है, गुटखा है, उसको हम बंद करें, तो हम ये सभी कॉम्प्लिकेशंस को होने से रोक सकते हैं। तो एक खास चीज ये ABCDEFGH ऐसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो टिप्स हैं, टेक होम मैसेज जैसे बोलते हैं। तो A4HbA1c को हमें अपने कंट्रोल में रखना है, 6.5 से 7 एक सामान्य हमारा जो रेंज रहता है हम रखना चाहते हैं। ब्लड प्रेशर हर बार हम चेक करें जब भी डॉक्टर के पास जाएं, 130-80 से नीचे रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हमारा डायग्नोसिस पर हमें चेक कराना चाहिए, उसमें हम लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं। तो खासतौर से 40 साल की उम्र के बाद तो हम कोलेस्ट्रॉल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और क्योंकि तो जो भी अभी तक भी गाइडलाइंस है उसमें यही है कि 40 साल से ऊपर की उम्र है और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप डायबिटीज़ के रोगी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो बिना कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा वो भी हम दवाई दे सकते हैं, और 6 महीने या साल भर जैसा डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल हम उसको रिपीट करा सकते हैं। डी फॉर डाइट पर आपको ध्यान देना है, HE फॉर एक्सरसाइज आपको करनी है, फास्ट एंड फीस्ट मतलब व्रत भी अवॉइड करने चाहिए, लेकिन अगर बस व्रत करने भी हैं तो वो आपको डॉक्टर से पूछ करके ही करने चाहिए। फीस्ट के बारे में भी आप डॉक्टर से चर्चा कर सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ पार्टी है, मेरे यहाँ शादी है, तो मैं इस समय क्या दवाई और एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, तो ये भी आपको चर्चा करनी, क्योंकि आप वो चीज़ तो अवॉइड नहीं कर सकते वहाँ पर। घर में जब हो ही सब कुछ, खाना आपका हैवी हो रहा है, तो आपको उसके लिए डॉक्टर से पहले से ही बात करनी, अपनी हेल्थ आपने ठीक रखनी है। डॉक्टर उसका तरीका बता सकता है कि अब ऐसी इस परिस्थिति में क्या करना है, तो वो जितना आप फ्रिक्वेंटली डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम, जो भी डे टू डे आपकी वेरिएशन आती है आपके डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, आप वो सारी डॉक्टर से चर्चा कर सकते हैं, और उस पर हम डॉक्टर उसी हिसाब से आपको सोल्यूशन दे सकते हैं कि आपकी प्रोफेशन के हिसाब से क्या बेटर रहेगा। ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, कोशिश यही होनी, ब्लड शुगर अगर कंट्रोल हो गया तो भी हफ्ते में 2 बार आपको करना चाहिए, और जिस दिन बदपरहेजी हो उस दिन तो जरूर चेक करना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि वो बदपरहेजी आपको कहाँ ले जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि रोज तो 150 रहता था, अब जिस दिन बदपरहेजी के उस दिन 400, तो 150 से 200 से 250 तो चलेगा, लेकिन 150 से 400 आप करते रहेंगे, फ्रिक्वेंटली करते रहेंगे, तो डेफिनेटली फिर कॉम्प्लिकेशन आपको होने ही है, चाहे वो न्यूरोपैथी हो, चाहे रेटिना की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम। हाइपोग्लाइसीमिया हमसे हमें बचना चाहिए, और एस को स्मोकिंग या टोबैको हमें अवॉइड करना चाहिए, और एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए जिसमें हम अपने अपना शुगर लेवल का रिकॉर्ड मेंटेन रखें, तब भी ताकि कभी भी हम डॉक्टर के पास जाएं, कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो डॉक्टर उसको देख करके आपके पिछले शुगर के बेसिस पे आपका कंट्रोल और बेटर कर सकते हैं, और समय समय पर जैसा डॉक्टर आपको सलाह दे आपको फॉलो अप करना चाहिए। एवरेज ये है कि एटलीस्ट आप अगर 3 महीने पर एक बार विजिट करते हैं डॉक्टर को तो अच्छा रहता है, लेकिन नहीं भी करते तो वो कंट्रोल रहना चाहिए, अपने डॉक्टर से अपना टारगेट पूछ लेना चाहिए। अगर आप मॉनिटर करते रह रहे हैं, डाइट पर ध्यान रख रहे हैं और सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, तो आप अगर नहीं भी विजिट करते तो, लेकिन वो मॉनिटरिंग करनी बंद नहीं होनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, और दैट्स इट, धन्यवाद, यही सब कुछ बताना चाहता था। अब बाकी आप लोग, आप जो भी सवाल पूछना चाहेंगे तो मैं रेडी हूँ आंसर करने के लिए। स्लाइड नहीं, बहुत बढ़िया, सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी के कोई जिज्ञासा है तो एक एक करके अपने आप को पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे नमस्ते तरीके से सारे सवालों का जवाब डॉक्टर, दिया। जी जी कुशवाहा साहब, नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। डाइट प्लान के बारे में कुछ गाइड करेंगे? वेट लूज करना है तो मेरा कंटिन्यूअसली लास्ट 2-3 साल से 100 के अराउंड मेरा वेट होता है। शुगर की प्रॉब्लम है, मेडिसिन में दे रहा हूँ, मेडिसिन लेता हूँ कंट्रोल हो जाता है, एक्सरसाइज करता हूँ, हैवी एक्सरसाइज करता हूँ तो कोई कमर में जर्क आ गया तो फिर वो थोड़ा रोकनी पड़ती है एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज के लिए ना बेसिक चीज यही है कि आपको हैवी तो करनी ही नहीं है, ठीक है, जो आपकी बॉडी परमिस कर, आप और हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज करनी चाहिए, कि आप हाँ पहले आप 10 मिनट करें, जब 10 दिन 10 मिनट हो गए 10 दिन, तो आप उसको तो आप बारह तो ले मिनट लो ना डॉक्टर साहब, आप दे करें। देना, बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। प्लीज म्यूट कर लें, तो जब पहले 10 उसको एक्सरसाइज को हमेशा ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए, कि आप चाहे 3 महीने ले लें अपने ऑप्टिमम लेवल पे जाने के,
लेकिन एक दिन से या जिस दिन आपने सोचा और उसी दिन से आपने अगले दिन जाकर के 1 घंटा या 2 घंटे पार्क में लगा दिया, तो ये प्रॉब्लम हमेशा करता रहे। तो इसलिए जब एक बार आप जब भी आप रीस्टार्ट करें या नहीं करते हैं, तो इसमें एक मेरी वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाई है, लोगों का हमेशा क्वेरी रहती है, मेरे ये रहता है तो मैं क्या करूँ, मेरा वो रहता है तो क्या, तो इसलिए मैंने कभी एक्सरसाइज की एक वीडियो अभी रिसेंटली ही बनाई है वो। तो अब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज के लिए कि वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये 5 डेज वीक वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है। अंग्रेजों का तो वहां स्टाइल यही है कि 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद 2 दिन मस्ती करते हैं, तो उन्होंने वो सारी रिसर्च उसी पे कर रखी है कि 5 दिन करो तो बहुत है। हम तो 7ों दिन काम करने वाले लोग हैं, तो 7ों दिन काम करना है तो 7ों दिन स्ट्रेस है हमारे पास, जब 7ों दिन स्ट्रेस है तो हमें 7ों दिन एक्सरसाइज चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, चाहे 10 मिनट रोज करें उसको करें, पर डाइट की जहां तक बात है ना, बेस्ट तो वे ये रहेगा कि मैं मोटा मोटा तो यही है कि आपको कैलोरी अवॉइड करनी है, टाइम से खाना खाएं, जो कार्बोहाइड्रेट से आपकी डाइट में वो आपको कम करना है, चावल है चपाती है उसको कम करना है, दाल सब्जी दही ये चीज बढ़ाएं, और खास तौर से डिनर में कोशिश करें कि डिनर में अगर चपाती या कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी फॉर्म में ना लें तो बेटर रहेगा, सिर्फ दाल खा लें, सब्जी खा लें, सलाद खा लें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये कुछ फॉलो करेंगे, और बेस्ट ये रहेगा अगर आपको डाइट को करना है तो किसी डाइटिशियन के टच में रहें, वो आपको बेटर गाइड करेगा, और वो कंटिन्यूअसली आप अगर मैनेज करेंगे उसको तो ये हो पाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है। और खास तौर से अगर वेट आपने बाद में गेन किया है, पिछले 2, 4, 5, 10 साल में गेन किया है, तो करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर बचपन से ही वेट अगर आपका ज्यादा होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आप अपने आप की हेल्थ तो मेंटेन कर सकते हैं, वेट मेंटेन ना हो पाए भले ही, लेकिन आप हेल्दी तो रह सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। और कोई किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं। डॉक्टर क्या ये डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई कोलेस्ट्रॉल ठीक होने पर मिलनी धन्यवाद चाहिए? आपका, जो कोलेस्ट्रॉल मैं आपके पास आई थी तब उसके बाद से मेरा शुगर भी कंट्रोल में है। कल मॉर्निंग मेरी शुगर एक केला खाने के बाद कौन बोल रहे हैं? और मेरा वेट भी पहले से कंट्रोल में है। जब मैं आपके पास आई थी मेरा 86 था, अब इस समय 81 है, 4 महीने। मैं क्या था मिसेज काला बोल रही। अच्छा डॉक्टर काला साहब सरोज काला बोल रही है बैकलाइन। जी सर हाँ हाँ तो आपका शुगर लो हेलो। नहीं होना चाहिए, शुगर आप चेक करते रहें समय समय। हाँ हाँ जी, मेरी आवाज नहीं पहुंची आपके पास? जी पहुंची है, पहुंच रही है, पहुंच रही है। आप अपना शुगर चेक करते रहिए, हेलो ध्यान ध्यान दीजिए उसको शुगर पर। क्या आपका बहुत अच्छा हुआ है, सरोज कालरा है ये ना जो बोल रहे हैं, तो प्रोफेसर कालरा शायद उनकी मिसेज हैं मेरे ख्याल से। हाँ हाँ जी, मेरी जी आवाज नहीं आ रही? आ आ गया रही है, आ आ गया रही आ है गया आ गया आवाज आ गया। डॉक्टर, समझ समझिए मैं मेरी आपकी क्या आवाज नहीं आ रही, जरूरत लगता है आप तक पहुंच नहीं रही। है। मुझे लगता है हम लोगों की आवाज उनको नहीं पहुंच रही। हाँ ओह यस प्रॉब्लम ये हाँ है। सर जेपी हाँ शर्मा साहब है फरीदकोट से। जी सर शर्मा साहब तो अब आप सवाल पूछिए उनको, अब तो नहीं पहुंच पा रही है, शायद हमारी आवाज उन तक, तो इसलिए वो नहीं सुन पा रही है। तो आवाज आपकी आवाज आ रही है, हमारी नहीं पहुंच पा रही आप तक, है ना? तो अभी आप नहीं, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरा पहले से पेट भी कंट्रोल में है, 5 किलो कम हो गया है और मेरी शुगर भी कंट्रोल में है। कल मॉर्निंग राजेश ने चेक किया था तो मेरी 106 थी और मैंने एक केला भी खा रखा था। चलिए चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ध्यान दे रहे हैं आप तो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जेपी नमस्कार। शर्मा साहब फरीदकोट हाँ से। शर्मा जी, हाँ मेरा डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल था। जी मेरे छोटे भाई को ऐसे शुगर है, वो जब खाली पेट तो आती है 100 100 के करीब आती है, 105 या 10 के करीब। हाँ, तो वो एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहे हैं आजकल, तो वो कम एक्चुअली उनके एक टांग में थोड़ा सा पोलियो है, वो 80% मतलब वॉकिंग में है। तो वॉकिंग वगैरह जरूरत है उनको या शुगर इतनी आ रही है ठीक है इससे कोई दिक्कत नहीं? देखो एक्सरसाइज तो हर एक को करनी चाहिए,
तो वही मैं जी एक्चुअली बता रहा था कि मैंने इसीलिए ना ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाया अभी मैंने, तो वो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा अरविंद जी से, तो वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे, हाँ वो तो प्लीज जरूर करें, जरूर करें सर। वो ठीक मैं कर दूंगा उनके साथ शेयर। है, सो नाइस सर, थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू हाँ वेरी मच। नमस्कार, मैं अजय कुमार सहगल। डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे को मिली। मेरा सिर्फ एक ये क्वेश्चन था कि जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो जब एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम डिमांड जो न्यूट्रिशन की है वो रेज कर देते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं। हाँ जी, जब हाँ जी, डिमांड रेज करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए, हाँ जी, और न्यूट्रंस जब पहुंचेंगे तो जो हमारा बीपी होगा वो भी हाई होगा, क्योंकि वहां पे, क्योंकि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर तो मेरी जो थ्योरी यही है कि जब आपको न्यूट्रंस वहां पे पहुंचना है तो बीपी थोड़ा हाई होगा या पल्स रेट उसका ज्यादा होगा। किसी भी तरीके से जो जहाँ पे भी हमने वो लगाया है, वो एक्सरसाइज किया है, जहाँ पे भी सेल्स को एक्टिवेट किया है, तो वहां पे न्यूट्रंस पहुंचने के लिए आपका बीपी हाई हो जाएगा या फिर उसके पल्स रेट बढ़ जाएंगे। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें किस एक्सटेंट तक एक्सरसाइज करनी है जिससे कि वो गलत इफेक्ट उसके ऊपर ना पड़े। हमारे अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं कि जैसे पल्स रेट ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई हो गया या बीपी बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद हम उसको बंद कर दें, और अपनी तरफ से कुछ ऐसा सेंसेशन आ सकता है कि हाँ इसके बाद मैं एक्सरसाइज ना करूं, क्योंकि एवरी बॉडी इज अ डिफरेंट मटेरियल। मैं हर एक को डिफरेंट मटेरियल के लिए बात करता हूँ, कोई सोना है कोई चांदी का, क्योंकि उसकी कैपेसिटी अलग अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो उस हिसाब से कैसे उसको पता लगेगा कि हाँ मैंने 5 किलोमीटर वॉक करनी है या 2 किलोमीटर वॉक करनी है, 1 किलोमीटर वॉक करनी है, या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है या फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करनी है, तो कितने एक्सटेंट तक वो करे उससे पता लग जाए कि हाँ मेरे को इससे ज्यादा नहीं करना। तो कोई ऐसा तरीका है एक लेमैन को अंडरस्टैंड करने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी तो क्योंकि सवाल जो आपने पूछे ना उसके जवाब में मुझे आधा घंटा लगेगा एक्चुअल में, अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो, जो एक्चुअली मुझे लगता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन जो आपने मुझे टर्म्स यूज किए हैं उसके हिसाब से मुझे हाफ एन आवर चाहिए। तो मैं अभी आधे घंटे की प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज को दे चुका हूँ अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूँ कि बेस्ट एक्सरसाइज जो है ना, जब आपकी एज 50 और 60 साल के आसपास हो रही है, वॉकिंग सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज। और वॉकिंग का एक बेसिक रूल यही है कि जब भी आप वॉक स्टार्ट करें तो पहले अपनी बॉडी को गर्म करें, चाहे तो आप स्ट्रेचिंग करें, हाँ वार्म अप करें, उस थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है। और जो पहला चक्कर है आप पार्क में या कहीं पर भी लगा रहे हैं, यानी कि 5 मिनट के आसपास आप स्लो वॉक करें, फिर आपको स्पीड बढ़ानी है अपनी। और उस स्पीड पे ये ध्यान, जो अगर आप पल्स की जहां तक बात कर रहे थे, तो बेसिकली ना एक वो है जो हमारी टारगेट हार्ट रेट का एक वो होता है कि कितना होना चाहिए। तो आप रफली ये मान के चलो कि अगर आप 220 माइनस आपकी एज कर दो, आप हटा दो, अगर आप, क्योंकि आप पूछ रहे थे इसलिए मैंने आपको बताया, डिटेल में बता रहा हूँ। तो 220 माइनस एज करो और जितना आए, और उसका 80% आपका टारगेट हार्ट रेट होना चाहिए। मतलब अगर आपका 220 में से 60 साल आपकी एज है तो आपका 160 आया, और 160 का 80%, अच्छा, ठीक है। तो 1.8 रफली आपको 120 130 से ज्यादा आपकी हार्ट रेट नहीं होनी चाहिए उस वॉकिंग के दौरान, ठीक है। तो वो आपको उस हार्ट रेट से ज्यादा, अगर उस पर आप मेंटेन करते हैं तो आपकी कार्डियक एक्सरसाइज होती है, आपका हार्ट मजबूत होता है, ठीक हाँ है। अब क्या करना है कि वार्म अप आपको उतना रखना है, कूल डाउन भी रखना है लास्ट में। आपको ग्रेजुअली क्या है कि पहले आप जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है उसको आप एक चक्कर करें, डेढ़ चक्कर करें, दो चक्कर करें, तीन चक्कर करें, पांच करें, छह करें, जितनी अपनी कैपेसिटी है बढ़ाते जाएं। लेकिन वार्म अप और कूल डाउन आपने लास्ट में एक एक चक्कर रखना, मतलब एक एक चक्कर से मतलब डिपेंड करीब 4-5 मिनट होना चाहिए, क्योंकि हर हर पार्क का चक्कर का अलग अलग होगा ना, कि अभी कहीं जो है 1.5 किलोमीटर का है कहीं, तो 4-5 मिनट की वॉक आपकी वार्म अप में जानी चाहिए और 4-5 मिनट की वॉक आपकी कूल डाउन में। बीच वाली वॉक को आप ग्रेजुअली 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप बढ़ाते जाए। और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, कम से कम हफ्ते में 3 बार। तो उसमें अपर बॉडी, जैसे लोअर बॉडी तो आपकी वॉक करते हैं तो वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज काफी हद तक हो जाती है, अपर बॉडी की एक्सरसाइज आप जो कर सकते हैं कि आप अपने हाथ में इस तरीके से, मेरे को देख पा रहे हैं ना, मटर मेरे ले को लेते स्क्रीन हैं। दिख रहा जी है, तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, आपने बॉटल ली, आपने इस तरीके से, तो मेरी वीडियो है वो वीडियो भी इसी तरीके से, उसमें हाँ सब कुछ है, थोड़ा सा जो लोग वॉक नहीं कर पा रहे उनके लिए भी है वो,
वो वीडियो मैं शेयर करूंगा, तो आप लोग उसमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो आप कर सकते ये जो हैं। पेंक्रियास कहते हैं इंसुलेशन, इंसुलिन जो बनता है, तो क्योंकि जो मैंने पढ़ा है इसके, थोड़ा मैं पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि एक जैसे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है ना, तो सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो लगाते हैं तो दरवाजा खुलता है, तो इंसुलिन जाएगा तो उसकी मेम्ब्रेन खुलेगी, देन दी सेल्स कैन अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड और शुगर, तो उसके बाद जो है वो यूटिलाइज होगा। जब तक, इसलिए जो एक्सरसाइजेज है पेंक्रियास को करने के लिए, तो हाउ फार दे कैन हेल्प, क्योंकि वो मुझे मालूम नहीं है कि किस टाइप ऑफ डायबिटीज में ये काम आता है और किस टाइप नहीं आता, तो इसमें क्या है ना, किसमें हेल्प बेसिकली जो करता हमें हमें जो टाइप 2 डायबिटीज होती है ना, उसमें हमें इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ानी होती है। मतलब जो इंसुलिन हमारी बॉडी से निकल रही है उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है एक्सरसाइज से, खासतौर से रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से। इसलिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करनी भी इम्पॉर्टेंट है। तो अपर बॉडी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, लोअर बॉडी भी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। टाइप 2 वाली में ज्यादा एडवांटेज होता है, लेकिन एक्सरसाइज तो टाइप 1 में भी एडवांटेज है, लेकिन यह कि उसमें टाइप 1 में हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारा शुगर लो होने का खतरा थोड़ा सा ज्यादा होता है टाइप 1 वाले को। और टाइप 2 वाले हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो शुगर अपनी एक्सरसाइज शुरू करें तो उनका शुगर 110 से नीचे नहीं होना चाहिए। सुबह फास्टिंग, इसीलिए हम लोग 100-110 बोलते हैं ना, अगर उनका शुगर 110 से नीचे आ रहा है तो वो कुछ खा करके तभी एक्सरसाइज शुरू करें। वॉक पे भी जाना है तो बेस्ट तरीका, मैं हम आजकल रिकमेंड करते हैं कि जैसे आप 5-7 बादाम जो है ना रात में भिगो कर रखे रखो, वो खा करके तब आप वॉक के लिए जाओ। हमारे रिजर्व स्टॉक लेके चलना साथ में। वो खा के ही जाओ आप, तो प्रॉब्लम लो वाली तो आने हाँ, वाली नहीं। मतलब 5-7 बादाम खाने खा का के गए हो तो लो नहीं होने वाला, हाँ, वैसे आप हमारे चले गए स्टमक, तो आप चक्कर खा के गिर सकते। हाँ स्टमक में हमारे रिजर्व स्टॉक होना चाहिए, जैसे डिप्रेशन बिल्कुल तो उसको पूरा कर दे। बिल्कुल। और कोई किसी थैंक यू को वेरी मच। देखो, कुछ ये व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चंस आए मेरे पास, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए। एक क्वेश्चन आया कि क्या डायबिटीज के रोगियों में हृदय रोग की संभावना अधिक होती है, मतलब आपने जैसे बताया साइलेंट होती है, मतलब। हाँ, साइलेंट तो 2 से 4 गुना जो हृदय रोग की संभावना है डायबिटीज के लोगों में अधिक होती है, चाहे वो हार्ट फेलियर हो जाए, चाहे वो हार्ट अटैक हो जाए, तो एंजाइना हो जाए, कोई भी चीज है इनकी संभावना काफी बढ़ जाती है। क्योंकि पेन इनसेंसेशन हो जाती है, पेन की सेंसेशन नहीं होती, तो वो जो नर्व से ना न्यूरोपैथी की वजह से, तो साइलेंट हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसीलिए हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रहना चाहिए। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एलन स्मिरिट में, उनके बेटे की डेथ हो गई इस चक्कर में कि वो खुद नहीं डायग्नोस कर पाए। वो एमडी मेडिसिन थे, प्रोफेसर, हम लोगों को पढ़ाया उन्होंने, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे उनका बेटा, और गैस 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 में ही निकल गया, 30-35 साल का तक। तो वेरी गुड। मतलब ये इतना ज्यादा होता है कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स में तो बहुत ही ज्यादा, अगर डायबिटिक आपको है तो बहुत ज्यादा केयर होता है। अच्छा, उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आया डॉक्टर साहब, न्यूरोपैथी का कैसे पता लगाएं, आज क्या इसका इलाज उपलब्ध है न्यूरोपैथी, मतलब जो अभी आपने काफी चीज दिखाई भी हाँ, अपने। न्यूरोपैथी का जैसे हम पता लगाने के लिए, तो ये एक वीपीटी, हम लोग वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड, एक मशीन होती है, हम लोग अपने पेशेंट्स का सभी क्लिनिक पर करते ही करते हैं। इसके अलावा मोनोफिलामेंट से एक टेस्ट होता है कि टच करके हम लोग एक फिलामेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके, उनको प्रेशर दे करके सोल पर देखते हैं कि उसमें कुछ कितना वो सेंस कर पा रहे हैं, कितने प्रेशर को सेंस कर पा रहे हैं, वो देख लेते हैं। इसके अलावा कोल्ड एंड हॉट टच में कितना वो परसीव कर पा रहे हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो लेकिन क्या होता है, क्या है कि मेन जो है हमें डिपेंड करता है कि पेशेंट को सिम्टम्स किस तरीके, पेशेंट्स को सिम्टम्स है, अगर जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स है कि टिंगलिंग हो रही है, चीटी चल रही है, जलन हो रही है, बिजली जैसा करंट दौड़ रहा है, तो इस ऐसे केसेस में तो हमें दवाई देनी होती है। लेकिन जो सुनपन वाला है पेशेंट, उसके लिए कोई दवाई नहीं बननी, उसके लिए तो शुगर का कंट्रोल अच्छा होना है, प्लस उसके लिए हमें जूते ढंग से पहनने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है कट फट ना जाए, रोजाना क्लीन करते रहें, रोजाना चेक करते रहें कि पैरों में कुछ चुभ तो नहीं, क्या कोई सेंसेशन नहीं है, तो वहां अलग तरीके से हार्म होगा, वो हार्म को हमें प्रिवेंट करना है। लेकिन जिनको सिम्टम्स हैं उनको हमें मेडिसिन देनी होती है। और शुगर का कंट्रोल तो दोनों ही केसेस में इंपॉर्टेंट है, शुगर का कंट्रोल रहेगा तो मेडिसिन या प्रिवेंशन दोनों ही चीजें हेल्प करेंगे। जैसे इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये कि क्या किसी डायबिटीज की इतनी लंबी अगर चली आ रही है, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसके सिम्टम्स होंगे ही होंगे, ऐसा तो माना जा सकता है या नहीं, या उसने क्योर किया? न्यूरोपैथी होगी, न्यूरोपैथी तो मोर देन 50% केसेस में 5 साल के बाद हो जाती है। हो जाएगी। ओके।
है ना, चाहे वो सिम्टम्स पेशेंट्स को अगर देखो कि होता क्या है कि जो नेगेटिव सिम्टम्स है यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन है, वो तो पेशेंट को तब पता लगता है कि वो चल रहा है, चप्पल पहनी हुई थी, चप्पल पैर से निकल गई, उसे पता ही नहीं। ऐसी स्थिति में आएंगे तो नॉर्मली क्या होता है, जूते पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं तो नहीं पता लगेगा आप उस चीज को जो कि आपका सेंसेशन कम हो गई है। तो ऐसे में वही, इसीलिए वो प्रोटोकॉल बना हुआ है कि हर साल हम लोग वीपीटी, एबीआई डॉपलर, ये सब चीजें कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि भाई सेंसेशन कम है तो आपको ये प्रिकॉशन एक्स्ट्रा ध्यान देना, अदरवाइज आपकी चल रहा है तो ठीक है। एक मैंने देखा डॉक्टर साहब कि जैसे कुछ लोग, जैसे अभी आपने कहा कि 3 महीने में या 4 6 महीने में इंटरवल से कराते हैं, काफी लोग हम लोग देखते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने कोई दवाई लिख दी शुगर की या बीपी की, वो सालों साल खाते रहते हैं, मतलब वो कभी ये महसूस ही नहीं करते कि क्या करें, गोली खा लिया काम कर लिया, मतलब ये भी कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है मेरे ख्याल से। बिल्कुल इग्नोरेंस, मतलब आपको एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि शुगर का चेक कर, अगर आप शुगर चेक कर रहे हो और अपने कॉम्प्लिकेशन की मॉनिटरिंग तो साल में एक बार करनी है ना, जी। सब कुछ के बावजूद भी आई के अंदर अंदर तो चेंजेस चल रहे हैं ना, वो अचानक से पता लगेंगे। मतलब ठीक है आप 3 महीने पे जो प्रोटोकॉल है कि 3 महीने पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप 3 महीने पे नहीं जा रहे, आप चेक करते रह रहे हो, आपने एच्बी1सी भी करा लिया, आपने शुगर भी चेक कर रहे हो, ठीक चल रहा है, तो आप 3 महीने में नहीं गए, तो आप साल के अंदर तो कम से कम मिनिमम एक बार जाकर के अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए, ताकि सारी चीजें जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सारे हमने स्क्रीन आउट हो गए, ये अर्ली स्टेज में पता लग जाते हैं, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन, मतलब ऐसा पहले आपने हो देखा होगा, गया तो। आपने देखो जब भी मैं आया मैंने एक्सेल के अंदर 10 साल के डेटा बना रखे हैं अपने सारे, जब भी मैंने आपको दिखाया ना 10 साल के एक्सेल में हाँ डेटा हाँ बना रखे हैं, बिल्कुल और उसमें बिल्कुल जितने भी मेन मेन है सबको लास्ट ईयर कितना आप सेशन, मतलब 10 साल से पूरा एक समरी बनाई हुई है एक्सेल के अंदर, नहीं, उसमें क्या होता है एट ए ग्लांस देखने से मालूम पड़ जाता है कि हम लोग जा किधर को रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आप जो डाटा बना रहे हैं ना वो आपके ब्लड टेस्ट, लैब वाले टेस्ट के बना रहे हैं, जी। है ना, आपने रेटिना का नहीं बनाया, आपने न्यूरोपैथी का नहीं बनाया, एग्जैक्टली आपने हार्ट का नहीं बनाया जो एग्जैक्टली मेजर कॉम्प्लिकेशन है, वही। माइक्रो एल्बुमिनूरिया का नहीं बनाया आपने, ठीक ठीक बात, तो सही जो बात है, इंपॉर्टेंट मतलब कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया उसका आपने एक ही बार चेक हुआ है, ठीक ठीक करेक्ट। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो अर्ली स्टेज में पता लग जाते हैं, जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, हम बस सिर्फ एक ब्लड प्रोफाइल कराते हैं सोचते हैं, और वो चीजें बहुत बाद में खराब होती हैं ब्लड प्रोफाइल वाली, तो अच्छा, बाकी चीजों की इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो ये जो चलिए मेडिसिन हम लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या, हाउ डज इट वर्क, वो क्या ऐसा फंक्शन करती है कि हमारा डायबिटीज कंट्रोल होता है, वो कैसे हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है, या हमारे सेल्स को कैसे, मेम्ब्रेन्स के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, या पेंक्रियाज के ऊपर इंसुलेशन, और ये इंसुलिन के ऊपर डिमांड को पूरी करता है, तो हाउ डज इट वर्क, वो थोड़ा सा समझना था। 3 घंटे लगेंगे चलिए वो नेक्स्ट पार्ट को मैं अगला अगला पार्ट देखते हैं। बोलता हूँ, मैं एक एक अगला क्वेश्चन एक उसमें आंसर दे देता हूँ, एक को दे देता हूँ। नॉर्मली जो मैकेनिज्म, बेसिक मैकेनिज्म ये होता है कि कोई भी हम मेडिसिन देते हैं, हमारा एम होता है कि शरीर में इंसुलिन आ जाए किसी, ठीक है, तो वो हमारा पेंक्रियाज अगर एक्टिव है उसमें कुछ बीटा सेल्स बची हुई है तो वो बीटा सेल्स पे एक्ट करेगी और वहां से इंसुलिन रिलीज करेगी और हमारा शुगर ठीक है, बेसिक तो यही होता है मैकेनिज्म। लेकिन आजकल एक और मैकेनिज्म भी यूज होता है कि हमारा शुगर ज्यादा है तो हम उस शुगर को किडनी की तरफ करना, से निकाल दें, यूरिन में निकाल दें, तो ये अब पिछले 4 5 साल से हम लोग ये मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं और ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, वेट कम करने में काम करती है, किडनी ठीक करने में काम करती है, हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करने में काम करती है, तो ये जो अब 4 5 साल में आई है ये इंसुलिन पे काम, ये बीटा सेल्स पे काम नहीं करती, किसी का पेंक्रियाज खत्म भी हो गया तब भी ये काम, अच्छा वो एक आजकल मेडिसिन है, हम लोग काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स में देना चाहते हैं। वैसे, जैसे अभी मेडिसिन की बात चली, जैसे गोलियां आपने 4 5 लिख दी, तो क्या 4 5 इकट्ठे एक साथ खा लीजिए या गैप से खानी चाहिए, मतलब हम लोग जनरली क्या करना चाहिए इसमें, इससे कोई फर्क कोई नहीं दिक्कत पड़ता नहीं है, नॉर्मली मेडिसिन। हम लोग ज्यादातर टाइम लिखते हैं कि नाश्ते के बाद खानी है आपने या रात के डिनर के बाद खानी है, तो आप खा सकते हैं, सारी इकट्ठी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अरे नहीं, इकट्ठे खा सकते, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई ये अपने कोई दिक्कत। गैप करके ऐसा कुछ नहीं है ना। एक्चुअली गैप आप कितना करोगे, अगर आप 4 घंटे का गैप कर रहे हो तब तो कोई डिफरेंस है, वरना तो उसमें नहीं, वहीं पड़े ऐसे रहना है नहीं, 4 घंटे, पहले एक खाई फिर दूसरी खाई फिर तीसरी खाई, मतलब उससे नहीं फर्क पड़ेगा ना, वो तो वहीं का वहीं है ना, जाना तो पेट में ही है उसने, 4 घंटे बाद वो आगे निकल के जाएगी तो एग्जैक्टली। उसका कोई फायदा नहीं है, अच्छा तो जैसे इसलिए हमें जनरली खा सकते हैं। हम लोग क्या बीपी कहते हैं मेडिसिन रात में खानी चाहिए बोले कि बजाय सुबह खानी चाहिए, तो ये क्या वो है, या जैसे कि इसमें ऐसा कोई हार्ड नहीं है, 24 घंटे का सर्किल है इसमें। बीपी की मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि खानी जरूरी है, आपको लगता है मैं सुबह याद रख सकता हूँ तो आप सुबह खाओ, ओके
है ना, लेकिन आपको लगता है मैं रात को ज्यादा अच्छे से याद रख सकता हूँ तो रात को खाऊं। ठीक। और कुछ मेडिसिन में स्पेसिफिकली होता है कि ये हमें सुबह ही देनी होती है, ये रात में देनी होती है, तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोज खानी इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेडिसिन खाइए, रात का बीपी ठीक रहे तो वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन ये कि ये वाली मेडिसिन खाओ, वो वाली मेडिसिन खाओ, ये वाली नहीं खाओ, सुबह खाओ, दोपहर में खाओ। ब्लड प्रेशर ठीक है उस मेडिसिन से ना, तो वो सबसे अच्छी मेडिसिन है आपके लिए, और आप उसको ले पा रहे हो, अफोर्ड कर पा रहे हो। मैं बहुत कॉस्टली मेडिसिन दूं कि बहुत अच्छी है, इसका ये फायदा है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। महीने में 20-10 दिन खाओ आप, इससे अच्छा है कि जो जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो 30 दिन खाओ। नहीं ठीक है। डॉक्टर साहब एक चीज से बताओ कि हम जब ब्लड शुगर देखते हैं ग्लूकोज लेवल देखते हैं, और अगर जब फ्रूट्स लेते हैं मोस्टली वो फ्रक्टोज होता है, और मीठे फल जो होते हैं उसमें फ्रक्टोज ज्यादा होता है, ग्लूकोज का मात्रा थोड़ी कम होती है, तो उसमें जो रिकमेंडेशंस के डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फ्रूट्स खाओ, और कुछ कहते हैं कि फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि मीठा तो है ही, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फ्रूट्स खाने चाहिए, पहली चीज ठीक है, खाने चाहिए हाँ ठीक है। खाने क्यों चाहिए? क्योंकि हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फ्रूट्स से मिलते हैं ठीक न्यूटन्स उसमें हाँ है। बस एक ही चीज गलती नहीं करनी चाहिए कि खाना खाने के साथ में नहीं चाहिए। वो फर्मेंटेशन हो जाएगी। नहीं, फर्मेंटेशन के अलावा कि जो खाने से भी शुगर बढ़ रहा है, प्लस आपने एड ऑन शुगर भी कर दिया, ऐड ऐड ऑन तो शुगर आपका भी डबल हो जाएगा ठीक है, तो हाँ उससे क्या शुगर लेवल डबल हो गया। मतलब हाँ आपका भले ही इंसुलिन नहीं चाहिए उस शुगर के लिए, वो हाँ हाँ वो ज्यादा हो गया शुगर में इंसुलिन नहीं चाहिए होती, अपने आप ही थोड़े समय में वो नीचे आ जाता है लेवल ठीक हाँ। है। तो तो ये हमें लोग क्यों दो कहते हैं घंटे कि बाद आप खाना खाने या बाद दो थोड़ा घंटे सा पहले, गुड़ नहीं खा लो, तो गुड़ में तो गुड़ शुगर नहीं, नहीं खाना तो चाहिए। गन्ने से बन रहा है ना, वो तो ऐसे ही होगा, कोई बीड़ी पिए, कोई सिगरेट पिए, कोई हुक्का पिए, मैं तो मेरा तो पानी से फिल्टर होके आता है जी, है तो तंबाकू ना, हाँ। तो वो तो गुड़ शक्कर तो सब गन्ने से ही बन रहा है ना। हाँ क्योंकि पहले जमाने का था खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा हो नॉर्मल जाए। आदमी के लिए, नॉर्मल हाँ आदमी के लिए ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, जो हमारे ट्रेडिशनल थी वो अच्छा था, लेकिन फिजिकली एक्टिव थे लोग, अब वो एक्टिविटी खत्म हो गई ना। गांव में भी जैसे लोग मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, काम तो करते ही नहीं बस ठीक है, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, वो एक अलग बात है ना, तो काम फिजिकल वर्क तो खत्म हो गए, इसलिए गांव के लोगों को भी हार्ट अटैक होते हैं, घी खाते हैं गांव वाला, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी, तो वो एक बहुत हाँ बड़ा चैलेंज हाँ जो है। कंज्यूम करना है वो फिजिकल एक्सरसाइज में कंज्यूम हो जाती है शुगर, वो कंज्यूम नहीं हो पाती। वैसे ये जो है ब्रेकफास्ट है, जनरली हमने देखा कि फ्रूट्स और ब्रेकफास्ट दोनों साथ साथ लेते हैं, तो इसका मतलब तो गैप होना चाहिए फिर तो ये होगा। मतलब बिल्कुल बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं जनरली ब्रेकफास्ट जब करते हैं तो तभी फ्रूट्स भी साथ में होते हैं और साथ में जो लेते हैं वो भी साथ होता है, तो इसका मतलब डिपेंड करता है आप ले क्या रहे हो साथ में। अगर आप सिर्फ फ्रूट्स के साथ में स्प्राउट्स ले रहे हो तो अच्छा। चल जाएगा, लेकिन फ्रूट्स भी ले रहे हो साथ में, कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ ले रहे हो, चाहे वो दलिया ले रहे हो, कुछ भी रोटी ले रहे हो, पराठा ले रहे हो, तो वो गड़बड़ है। हाँ अगर स्प्राउट्स के साथ में थोड़े फ्रूट्स ले रहे हो तो चलेगा, क्योंकि स्प्राउट से शुगर नहीं बढ़ने वाला। तो इसमें कितना गैप होना चाहिए डॉक्टर साहब फ्रूट्स में, उसमें कार्बोहाइड्रेट में 2 घंटे, दो दो घंटे घंटे पहले 2 घंटे बाद, कम से कम 2 घंटे। आप 40 मिनट्स में तो सारा फ्रूट्स तो डाइजेस्ट हो ही जाते हैं। नहीं और डाइजेस्ट शुगर लेवल नहीं है, कम आएगा ना इतनी जल्दी, वो एड ऑन रहेगा, आप उसे उसके के चलते वो खाया हुआ फ्रूट खाया फिर खाना खा लो, क्योंकि आपका बेसिक लेवल ही कम नहीं हुआ, आपने फिर खा लिया, 200 से शुरू किया तो आपका 250 जाएगा ही ना, पहले उसको नीचे आने दो पूरा फ्रूट्स वाला लेवल, जब वो नॉर्मल आ जाए तब खाना। हाँ जनरल डॉक्टर साहब मैं ये करता हूँ कि शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद ना, फिर उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट्स रोटी जो खानी है वो दोपहर को 12:30 बजे खाता हूँ, और 7:30 से लेके 12 बजे तक मैं सिर्फ फ्रूट्स ही लेता हूँ और कुछ नहीं लेता, तो जिससे कि फाइबर्स जाए, या ज़्यादा ज़्यादा बीच में कभी 1-1.5 घंटे के बाद अंडा वगैरह ले लिया या प्रोटीन्स वगैरह कुछ ले लिए, तो ये जो होता है फाइबर्स प्रोटीन्स और बाद में कार्बोहाइड्रेट्स 12:30-1 बजे के करीब, नहीं तो नहीं इस ये तरीके क्या, से आप मॉर्निंग का बता रहे, कब बता रहे, ये 7:30 से पड़ेगा। ये तो है कि 7 बजे 7:30 बजे आपने डिनर ले लिया, और अच्छा ठीक सुबह 7:30 हाँ 8 बजे जब उठेंगे तो आपने फ्रूट से स्टार्ट करना है, ओके चलिए और 9 बजे खा रहे 10 बजे खा रहे, 12:30 बजे से पहले रोटी नहीं खानी, खाना नहीं खाना, उससे पहले सैलड फ्रूट्स जो मर्जी ले इसमें लिए, क्या बीच होता में है कि प्रोटीन डाइट अंडा वगैरह ले लिए। बड़ा ना कस्टमाइज सी चीज है, आपको क्या सूट करता है, आप गलत भी हो सकते हो सही भी हो सकते हो, आपको लग सकता है कि ये ठीक है बट इट मे बी रॉन्ग फॉर यू, मैं आई एम हाँ नॉट श्योर कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है ठीक है, आपको कंफर्टेबल लग रहा है उससे, ठीक चल रहा है सब चीजें, तो यू कैन कंटिन्यू
हाँ वही मैं आपसे कहता सबकी कि कस्टमर एवरी बॉडी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, डिफरेंट मटेरियल है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, जैसे सबके लिए सूट तो दो नहीं करेगा कॉन्सेप्ट आ बट। गए, प्रिसीजन मेडिसिन, प्रिसीजन डाइट। तो ऐसा देखा गया कुछ लोगों में केला खाके भी शुगर नहीं बढ़ता, और कुछ लोग जो हैं ऐसा फल खाते हैं जो मीठा नहीं है तब भी उनका शुगर बढ़ जाता। हाँ तो ये डाइट भी प्रिसीजन वाली आजकल बनने लगी है। हाँ नहीं, जी इट इज बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग सच स्टेप्स जी इन जनरल। वो डॉक्टर जी, दो तीन उसके क्वेश्चन हिसाब से और आए होगा। हुए छोटे छोटे से, और डिस्कस कर लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर अभी आपने जो एक मेडिसिन बताई है शुगर के लिए भी आप ये देते हैं, उसका नाम फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज विद स्पेलिंग। मैंने कोई मेडिसिन नहीं बताई। नहीं अभी आपने कहा ये हम देते हैं अक्सर भी ये। नहीं, देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चीज है ना, मैं तो इन जनरल बताऊंगा। SGLT2 इनहिबिटर, दवाई का नाम नहीं बता सकता कि, क्योंकि हर पेशेंट को पता नहीं इस पेशेंट को हमें देनी है कि नहीं देनी, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ इस ओके तरीके की मेडिसिन होती है ना, वो तो थैंक जब यू आप डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाते हो ना तभी वो बता पाएंगे कि उससे क्या किसको हम दे सकते हैं नहीं दे सकते, कि हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। वो पेशेंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं कि इस पेशेंट को हम दें ना दें, कितना दें, डोज, सब कुछ वो डॉक्टर देख करके डिसाइड करते आप प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब की सिस्टर हैं सर, जानते होंगे सर ये काला साहब की, हैं। काला साहब की सिस्टर हैं, बहन है ये उनकी, अच्छा। आर के काला साहब की। चलिए हाँ जी हाँ जी। साहब, और कोई किसी का प्रश्न नहीं, तो दो प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं, फिर खत्म करते हैं सर। वैसे दो प्रश्न ये क्या आए हैं कि एक तो है कि डायबिटीज के रोगियों के लिए कोलेस्ट्रॉल की दवाई कोलेस्ट्रॉल ठीक होने पर भी लेनी चाहिए या नहीं, जैसे बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल अगर ठीक हो गया उन लोगों का। हाँ देखिए, जैसे ना हम ये डायबिटीज वाले जो रोगी को हम मानते हैं कि हार्ट की बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जब कोई भी संभावना ज्यादा, और अब हार्ट की बीमारी होने के कारण क्या होता है कि एक तो डायबिटीज हमारी खून की नसों को पतला कर देती है, और अगर कोलेस्ट्रॉल, ऐसा नहीं है कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज किसी में कम तो हो ही नहीं सकता, मतलब वो होता है ठीक है, बहुत हाई ना हो, तो हमारे टारगेट डायबिटीज वाले पेशेंट्स में थोड़े से नीचे होते हैं। अगर किसी का 100 रह रहा है तो हम उसको 70 से नीचे करना चाहते हैं, किसी का 130 रहता है तो हम उसे 100 से नीचे लाना चाहते हैं। तो अगर डायबिटीज के साथ साथ अगर हम कोलेस्ट्रॉल की दवाई देते हैं तो ये देखा गया है कि हार्ट की जो परेशानी है वो होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है अगर कोलेस्ट्रॉल। तो इसीलिए हम लोग प्रेफरेबली कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होता है तब भी हम चाहते हैं कि ये मेडिसिन, अगर इसको जरा सा भी इंडिकेशन हमें लगता है कि ये इसको देना है, चाहे थोड़ा कोलेस्ट्रॉल उतना हाई ना हो तब भी हम उसको देना चाहते हैं। जी, और एक क्वेश्चन और आया था डॉक्टर साहब कि क्या डायबिटीज के रोगियों को पैरालिसिस का खतरा अधिक होता है, पैरालिसिस होने का। बिल्कुल, जैसे बताया कि जो नसें हमारी खराब होती है डायबिटीज से, ऐसी ब्रेन की नसें हैं, तो जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही वो नसें ब्रेन में भी होती हैं, उनमें भी क्लॉट जम जाता है। और अगर वो डिहाइड्रेशन हो गया आपको, जैसे गर्मियों के दिनों में डिहाइड्रेशन हो गया, आपके शरीर के अंदर पानी कम हो गया, तो वो क्लॉट बनने की संभावना थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती है। तो जो मैकेनिज्म हमारा हार्ट के लिए काम करता है वही ब्रेन के लिए भी काम करता है। इसके जी अलावा ब्रेन हेमरेज, ये तो ब्लड प्रेशर वगैरह है तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, वो तो एक अलग तरीके से है ही, पैरालिसिस करेगा ही करेगा। लेकिन जो क्लॉट है या इन्फार्क्ट जिसको बोलते हैं, कि जो हार्ट में जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं हार्ट अटैक को, तो ऐसे ही सेरिब्रल इन्फार्क्ट बोलते हैं जब वो पैरालिसिस का कारण होता है। तो सेम वे वो भी ब्रेन में भी इन्फार्क्ट या ब्रेन अटैक उसे बोल सकते हैं, वो भी होने की संभावना, जैसे हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है ऐसी ब्रेन अटैक होने की संभावना भी ज्यादा। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया जो भेजा है किसी ने हमको, डायबिटीज के रोगियों में गुर्दे पे क्या प्रभाव पड़ता है, किडनी पे, यानी कि मतलब किडनी के लिए। देखो किडनी के, डायबिटीज के रोगियों में जैसे किडनी की प्रॉब्लम है वो मैंने विस्तार से डिस्कस की है, हाँ तो अभी जो मेन चीज यही है कि जो अर्ली स्टेज होती है, पहले पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है, चेहरे पे सूजन आ सकता है, ठीक है, पैरों पे आ जाएगा, चेहरों पे सूजन आ जाएगा। तो इसीलिए जो, और वही मैकेनिज्म वही है इसमें जो नसों वाला, कि किडनी की जो नसें हैं वो पतली हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, उसकी जो मेम्ब्रेन है फिल्ट्रेशन वाली हार्ड हो जाएगी, तो उसका जो फिल्ट्रेशन घटना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो फट जाती है तो उसमें प्रोटीन दिसना शुरू हो जाता है। तो वो सबसे अर्ली स्टेज में होता है, तो इसलिए हम लोग उसका जो चेकअप है माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट करा के साल में एक बार जरूर कराते हैं। अगर माइक्रोबियल एल्ब्यूमिन आ रहा है तो उसकी भी मेडिसिन हमें डायबिटीज के साथ साथ पहले से ही शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि वो
जो माइक्रोबियम में जाना शुरू हो गया डायबिटीज की वजह से वो रुक सके, और जो किडनी का होने वाला डैमेज है वो भी हम काफी हद तक रोक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आती है तो हमें जरूर, क्योंकि डैमेज होने की संभावना तो है ही है किडनी का, तो हमें इसीलिए जो इस एनुअल चेकअप हम जो करने की बात करते हैं वो करना चाहिए, और उसी के अनुसार डॉक्टर से हमें चेकअप करना चाहिए। जिससे कि ये यूरिया, क्रिएटिनिन, KFT, LFT करा करके हम अगर उसको सोच करके बैठ जाते हैं तो उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान, वो हमें नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। कोई भी किसी का प्रश्न हो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अंत में हमारे एक ही शेखी साहब जो एडवोकेट हैं अमृतसर में वो बोलेंगे। ऐसा आपने आज बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को समझाया, और जो हमने देखा कि हर व्यक्ति ने समझ लिया होगा कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे कि ब्रेकफास्ट के साथ फलों का लेना, ये कहीं ना कहीं कहीं गलती है। दूसरा हम लोग कार्बोहाइड्रेट को रात में लेना, उसको लेके सो जाना, चावल खा लिए रोटी खा ली, मतलब तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। फिर मीठे का जैसे शौकीन होते हैं, जाने अनजाने में हम मीठा भी खा लेते हैं खाने के बाद में, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि अगर हम प्रयास करें तो रोग कम कर सकते हैं, मतलब ना एकदम जो है ना। और अगर हम अभी जितना ज़्यादा अवेयर रहेंगे उतनी ज़्यादा हम लोग अपने को बच सकते हैं। आज आपके वीडियो का फायदा यही रहेगा कि जो भी लोग इसका पहुँच जाएगा उसके बाद सभी लोग देखेंगे सुनेंगे, तो उसमें काफ़ी लोगों को फायदा मिलेगा। और खासकर जो मेन फोकस मैंने देखा था वो वेट कम करने पर आपने कहा, किसी भी तरीके से अपना वेट कम करिएगा। जैसे वेट कम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको फर्क पड़ेगा। जी आदरणीय के शेख साहब, आपसे निवेदन, 2 शब्द धन्यवाद के लिए। आदरणीय शेख साहब, धन्यवाद अरविंद शर्मा साहब। आज डॉक्टर प्रहलाद चावला जी ने बड़ा कम्प्रिहेंसिव तरीके से डायबिटीज़ के लक्षण बताए और उनके उपाय भी बड़े अच्छे तरीके से बताए, और बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी थे, उन क्वेश्चंस के आंसर भी सेटिस्फैक्टरी दिए उन्होंने। और फिर भी कोई किसी की समस्या रहती है तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सारे डाउट क्लियर हो ही गए हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने पहले भी ऐसे सीरीज़ में लेक्चर दिए थे, और डॉक्टर साहब की बड़ी खूबसूरती है कि बड़ा ही सिंपल तरीके से, जैसे ले मैन की लैंग्वेज में समझाते हैं, वो हर किसी को समझ में आ जाता है। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। वो कंटिन्यूसली हमें मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रहलाद अहुजा सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ए के सेखी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रहलाद चालू साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा है क्योंकि काफी लंबा सेशन हो गया है। बहुत छोटा सा विचार, एक लाइन का विचार है आज का विचार। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट, सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा कर देते हैं, बहुत अक्सर बढ़िया जिंदगी को सर, मीठा कर देते हैं। कुछ ना कुछ कड़वे घूंट हमें पीने ही पड़ेंगे तभी हमारी जिंदगी मीठी होगी। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति, प्रणाम। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शांति शांतिरेव शांति।